खबर रीवा जिले से है, जहां जय स्तंभ चौक में संचालित भारत सत्यनारायण राम निवास पेट्रोल पंप को नगर निगम कोर्ट और राजस्व की टीम ने पहुंचकर सीज कर दिया। उक्त पेट्रोल पंप नजूल की शासकीय जमीन पर संचालित है, जिसके सील करने का आदेश जिला कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसे राजस्व कोर्ट नगर निगम की टीम ने सील कर दिया था। लेकिन पेट्रोल पंप संचालक हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी, लेकिन गत दिवस हाई कोर्ट ने पेट्रोल पंप संचालक की अपील को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद एसडीएम अनुराग त्रिपाठी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, नगर निगम के अमले के साथ कोर्ट के कर्मचारी पहुंचे और पुनः सील कर दिया। की गई कार्यवाही के संबंध में एसडीएम ने बताया कि उक्त जमीन नजूल की है, जिसे पहले ही जिला कोर्ट ने नजूल की जमीन घोषित कर दिया था, लेकिन संचालक हाई कोर्ट गया, जहां से उसकी अपील को निरस्त करते हुए जिला न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया है, जिसे अब सीज कर दिया गया है। अगर पेट्रोल पंप संचालक के पक्ष में कोई अन्य अदालत फैसला नहीं करती तो उक्त जमीन को खाली कराया जाएगा। दिखाते हैं पूरी कार्यवाही और सुनाते हैं क्या जानकारी दी गई है। बंद हो गई टंकी, टंकी लॉक हो गई ना, कैमरा रखा लागा में 2 लाख रुपया चली गई। फिर भाई हमारे खड़े हो गए आज ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आज ये पेट्रोल पंप हम लोग सील कर रहे हैं। इसमें नगर निगम और फूड की टीम हमारी इन्वॉल्व है, और इस कार्रवाई के दौरान जैसा कि पहले भी इस पेट्रोल पंप को जिला सत्र न्यायालय के आदेश से सील किया गया था, लेकिन ये अपील में गए थे और हाई कोर्ट से वापस इनके हारने के बाद मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में फैसला होने के बाद आज पुनः इस पेट्रोल पंप को सील किया जा रहा है। ये अब किसी तरीके के दूसरे आदेश यदि नहीं होते हैं और मध्य प्रदेश शासन का पक्ष यदि बना रहता है, तो हम लोग निश्चित रूप से इसको बंद करके और इस भूमि को खाली करवाएंगे।